भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत नए कार्यकर्ताओं सहित शिथिल पड़ चुके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम पार्टी के दिग्गजों द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भिलाई के कुर्सीपार मंडल में भी 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे और भिलाई जिला अध्यक्ष सांवला राम डारे विशेष रूप से उपस्थित हुए। इनके साथ आए हुए अन्य कदावर शख्सियत और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा। जाहिर सी बात है कि अब नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उसे देखते हुए इस कार्यशाला को काफी अहम बताया जा रहा है। हालांकि ऐसे कार्यशालाएं वक्त वक्त पर पूरे देश में आयोजित की जाती है, परंतु भिलाई के लिए यह कार्यशाला काफी अहम साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी की खुर्सीपार मंडल के द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला की जानकारी खुर्सीपार मंडल के अध्यक्ष राम वृक्ष वर्मा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राकेश पांडे ने दी। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। भैया बताएंगे, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? ये भारतीय जनता पार्टी के सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें एक समय के पश्चात हमारी नई परिषद चुनी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं की सदस्यता होती है, सदस्यता बढ़ती है, तो हम अपने सदस्यों को अपने पार्टी के रीति नीति से अवगत कराने के लिए, देश की व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। और मंडल स्तरीय प्रशिक्षण होता है, प्रदेश से लेकर के, जिले से लेकर के, हर मंडल तक के ये हमारे कार्यक्रम चलते हैं, जो अभी लगातार चल रहे हैं। ये नगरीय निकाय चुनाव अभी भिलाई नगर निगम का होना है, क्या हम इसको लेकर के देख सकते हैं कि इस वजह से ये अभी आयोजित किया जा रहा है? नहीं, नगरीय निकाय तो भिलाई और आपके रिसाले में भिलाई 3 चरौदा में होना है, लेकिन ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश पूरे देश में चल रहा है, तो उस चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग प्रशिक्षित होना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, नए विचारों से अवगत कराना हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव के साथ में इसका कोई बंधन नहीं है। बंधन की आपने बात की, बंधन नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो कुछ पहुँचेगा? ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हम आपस में बैठेंगे, आपस में विचार विमर्श, रणनीति को भी तय करेंगे। बिल्कुल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जी भैया, आपका नाम और परिचय बताएंगे पहले? रामब्रिज वर्मा, भारतीय जनता पार्टी खुर्सीपार मंडल अध्यक्ष। आज एक बार फिर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है, किस तरह से कार्यकर्ता इसमें चार्ज हो पाएंगे? कार्यकर्ता जब तक कि उनको मोटिवेट ना किया जाए, जब तक कि उनको पार्टी के बारे में बताया ना जाए, तब तक कि वो क्या है, शिथिल रहते हैं। इसलिए पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम लाती रहती है, और आज ये अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर केंद्र से निर्धारित है, जो कि जिले स्तर पर कराया जा रहा है, हर मंडलों पर ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे खुर्सीपार मंडल में हनुमान मंदिर स्थान पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, इसमें 100 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसमें माध्यम से उन्हें पार्टी की हर रीति नीति की जानकारी होगी, और वे आगे मजबूती से संगठन में कार्यक्रम करेंगे, और हर चुनाव में हर संगठन में मजबूती से उभर कर आएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.